नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम का आज मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इसकी आवश्यकताएं बताऊंगा, इसकी मेथड बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर जो दोनों डायग्राम बने हुए हैं, एक है थ्योरी एग्जाम के लिए, दूसरा है एनिमेशन डायग्राम, इन दोनों को मैं जूम करके समझाएंगे, जिससे इसमें जो लिखी हुई डिटेल उसको आप नोट कर सकें और दोनों डायग्राम को अच्छे से समझ सकें। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। यदि वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक भी करना है। अब चलते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ लुब्रिकेशन सिस्टम। सबसे पहले जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको ही समझ लेते हैं। यहाँ पर जो पहला वर्ड लिखा हुआ है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का मतलब होता है जो हमारा इंजन होता है, इंजन के अंदर कुछ मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा सिलेंडर और पिस्टन हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गई, हमारी बेयरिंग्स हो गई, इन सब के अंदर जो हम ऑयल को सप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। मतलब इंजन के अंदर ऑयल को सप्लाई करना क्या कहलाता है, लुब्रिकेशन। अब इंजन के अंदर जो हम ऑयल सप्लाई करते हैं उस ऑयल को क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो हम लुब्रिकेशन के लिए जो भी हम तरल पदार्थ यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। अब यहां पर जो लुब्रिकेशन और लुब्रिकेंट तो आपने समझ लिया, लेकिन अब जो लुब्रिकेशन के लिए हम जो लुब्रिकेंट यूज करते हैं, जो हम उसको सप्लाई करते हैं इंजन के अंदर, उस सप्लाई के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम। समझ में आया होगा, इंजन के अंदर ऑयल को सप्लाई करने के लिए जिस सिस्टम का हम उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। ये तो नॉर्मल वर्ड मीनिंग हो गई कि आपको समझना चाहिए कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता, लेकिन जब थ्योरी एग्जाम होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसको डिफाइन किया जाता है इंजन के अंदर जो इसका उपयोग है उसके आधार पर। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम अभी भी बता चुके हैं कि इंजन के अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट होते हैं और बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं घूमने के लिए, मूव करने के लिए। तो क्या होता है, कुछ ऐसे मूविंग पार्ट होते हैं जिनके अंदर ऑयल सप्लाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वह स्मूथ तरीके से मूव कर सके और इंजन की इफिशियंसी बढ़ सके और उनकी लाइफ भी अधिक हो सके। इसी तरह कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर मूव करते हैं, जैसे कि हमारे सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करती, तो अब सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करेगी तो उसके बीच में फ्रिक्शन कम होने चाहिए और वॉइस स्मूथ तरीके से मूव हो सके। क्रैंकशाफ्ट मूव करती है, बेयरिंग्स होती हैं, ये सब स्मूथ तरीके से मूव कर सके, इंजन हमारा अच्छे से रन कर सके, आवाज भी ना करे, उन पार्ट्सों के बीच में फ्रिक्शन भी ना हो, इंजन की इफिशियंसी भी बढ़ सके, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं इंजन के अंदर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मल आप इसको यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई, इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इस डायग्राम को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और बनाना एग्जाम में। तो आगे जो नीड्स हैं और जो हमारी मेथड है लुब्रिकेशन की, सिस्टम की, उनको समझाने से पहले सबसे पहले थ्योरी एग्जाम में बनाने वाले डायग्राम को हम समझेंगे। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है सामने, साफ सुथरा दिखने लगा होगा, इसको आपको एग्जाम में बनाना है। लाइन डायग्राम में आराम से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हम कौन से पार्टों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, या आपको एग्जाम में कौन से पार्ट एक्सप्लेन करना है, जो मेन लुब्रिकेशन सिस्टम के पार्ट होते हैं जिनसे हमारा लुब्रिकेंट होता हुआ है सप्लाई होता है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पार्टों के नाम इंजन के जो पार्ट होते हैं जिनके बीच में हमें ऑयल को सप्लाई करना कंपल्सरी होता है या एकदम जरूरी होता है इंजन की परफॉर्मेंस के लिए, जैसा मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। अभी नीड्स बताऊंगा तो और आपको अच्छी समझ में आ जाएगा कि जो हमारा हमारे ऑयल है उसको इंजन में भेजना क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पार्ट्स के नाम बता दूं, जैसे कि रोकर आर में लिखा हुआ है ये इंजन का पार्ट, रोकर शाफ्ट लिखा हुआ है ये भी इंजन का पार्ट है, पुश रॉड लिखा हुआ है ये भी इंजन का पार्ट है, टैपेट लिखा हुआ है, ऑयल गैलरी ये हमारा किसका सिस्टम है, हमारे जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसका पार्ट है ऑयल गैलरी, ठीक है। टाइमिंग चेन है, टेंशनर है, क्रैंक शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट है, सब इंजन के पार्ट है, इनके अंदर क्या है ऑयल को भेजना जरूरी होता है। ये ऑयल फैन लिखा है, ऑयल सम्प भी बोलते हैं, याद रखें ऑयल सम्प या ऑयल फैन बोलते हैं,
ये हमारे लुब्रिकेशन सिस्टम का पार्ट है, ऑयल पंप भी हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम का पार्ट है, फ्लोटिंग ऑयल इंटेक एंड स्क्रीन ये भी हमारा क्या है लुब्रिकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी कंपलसरी रहता है। ये क्यों कंपलसरी रहता है अभी मैं बताऊंगा। ऑयल फिल्टर भी हमारा क्या है लुब्रिकेशन सिस्टम का पार्ट है, ऑयल फैन भी होता है, वो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैक्स बहुत सारी गाड़ियों में ऑयल फैन का भी यूज किया जाता है। जो रेसिंग गाड़ियां होती हैं जो बहुत ज्यादा पावर की इनको जरूरत पड़ती है, तो वो ऑयल गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए, तो यहाँ पर लिखा नहीं है। ये कैमशाफ्ट हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, वाल्व, ये इंजन के पार्ट है। इंजन के पार्ट भी लिखना जरूरी है, उनको दिखाना जरूरी है, क्योंकि पूरा सिस्टम यहाँ पर दिखाना हमें कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं। जब हम इंजन के अंदर जो ऑयल भरते हैं, हमेशा गाड़ियों में आपने देखा होगा कि ऑयल चेंज करवाते हैं, तो ऑयल चेंज करवाते हैं मतलब ऑयल इसलिए भरा रहता है कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं उनके अंदर हमेशा ही क्या है ऑयल का हम सप्लाई होना जरूरी है। ठीक है, बकाया आप नीचे पहिए की बैरिंग वगैरह बहुत सारे ऐसे देखेंगे जिनमें हम ऑयलिंग करवा लेते हैं, लेकिन ऑयल को कंटिन्यू सप्लाई करना, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इंजन के अंदर जिनमें कंटिन्यू सप्लाई किया जाता है ऑयल, तभी हमारी गाड़ी स्मूथ तरीके से चल पाती है। तो हम समझते हैं सबसे पहले जो हमारे ऑयल के सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे मेन पार्ट यहाँ पर ऑयल फैन है, ऑयल सम्प लिखा हुआ है, ये आपको येलो कलर में दिख रहा होगा, ये येलो कलर शो करा रहा है कि इसमें ऑयल भरा हुआ है। यहाँ पर जो हम जहां पर हम एरो चला रहे हैं वहां पर आप देखेंगे ग्रीन कलर का एरो चल रहा है, पूरा चलाया मैंने, इस तरह का एक कटोरा टाइप का होता है, इसको क्या बोलते हैं ऑयल सम्प बोलते हैं। कैसा होता है कटोरा टाइप का होता है, सभी ने देखा होगा। अगर टू व्हीलर की बात करें तो आपने नीचे से खोलते हैं जो ऑयल को जब चेंज करते हैं तो नीचे कटोरा टाइप का निकलता है। ठीक है, जब हमारा इंजन बंद रहता है तो पूरा ऑयल इसी के अंदर आ जाता है, इसी के अंदर भर जाता है। ठीक है, क्योंकि जब सर्कुलेट नहीं होता है, क्योंकि आपने सभी ने देखा हुआ है, थ्योरी एग्जाम के पर्पज से समझा रहा हूँ इसलिए आपको इसी तरह समझा रहा हूँ जिससे आप इसको एक्सप्लेन कर सके। ये जो लगा रहता है ऑयल जस्ट क्रैंकशाफ्ट के नीचे रहता है, कहाँ रहता है क्रैंकशाफ्ट के नीचे रहता है, और पूरा इंजन है उसके बॉटम में रहता है। दोनों में बात याद रखें, इसका काम है जब हमारा इंजन बंद रहता है तो ऑयल इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है, और जब इंजन चालू होता है तो यहीं से सप्लाई होता है। दूसरा, यह कहाँ स्थित रहता है, क्रैंकशाफ्ट के जस्ट नीचे और इंजन के बॉटम में। यहाँ पर इसके बाद देखा जाए तो ऑयल पंप लगा रहता है, यहाँ पर क्या लगा रहता है, ये ऑयल पंप लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये ऑयल पंप लगा हुआ है। ऑयल पंप, पंप जैसा नाम है, ऑयल पंप क्या करता है, किसी को सर्कुलेट कराने का काम करता है, फोर्स से या प्रेशर से बोल सकते हैं। तो हम क्या करेगा, ये ऑयल पंप क्या करेगा, यहाँ से ऑयल को खींचेगा, ये ऑयल को खींचेगा जी, यहाँ लगा फ्लोटिंग ऑयल इंटेक एंड स्क्रीन लिखा हुआ है जो ऑयल की स्थिति बताता है, और इसी के थ्रू यहाँ से क्या करेगा, ये पंप के थ्रू ये खींचेगा, इससे ये खींचेगा। तो जहां येलो कलर की लाइन दिख रही है जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे ऐसे जाएगा ऑयल, ये सीधा कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये फिल्टर लगा हुआ है, ऑयल फिल्टर। देखिए आपने फिल्टर लगे जाते सभी गाड़ियों में, फिल्टर अपन साफ करवाते हैं एयर से, ठीक है, तो उसी फिल्टर के अंदर क्या ऑयल जाएगा। और यहाँ फिल्टर जैसा लिखा हुआ, फिल्टर का मतलब छन्नी करना, मतलब उसके अंदर अगर कोई कचरा है ऑयल के अंदर, ठीक है, उसको साफ करना, क्योंकि साफ ऑयल फिल्टर होने के बाद ही इंजन के अंदर सप्लाई होता है। तो ऑयल फिल्टर होगा यहाँ पर जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है, उसके बाद येलो लाइन दिख रहे आगे, ये पंप क्या करता है, उसको फिल्टर के अंदर से सप्लाई करके कुछ मेन पार्टों में भेजता है, जैसे कि कैमशाफ्ट हो गया, देख रहा है यहाँ से कहाँ जाएगा, सबसे पहले कैमशाफ्ट में जाएगा, कैमशाफ्ट लगा हुआ है, कैमशाफ्ट में जाएगा, यहाँ से क्रैंकशाफ्ट में जाएगा, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट में जाएगा, जो हमारे इंजन की कुछ वाल्व है उसके अंदर जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्या है, देखो ऐसा जा रहा है, इसके बाद ये यहाँ पर अंदर जा रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ का इसको समझना जरूरी है। ये पूरी इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल गैलरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयल गैलरी। ऑयल गैलरी एकदम इंजन के अंदर में रहती है। ऑयल गैलरी का मतलब होता है कि ऑयल का एक पूरा रास्ता होता है जिसके अंदर आसपास मैक्सिमम पार्ट्स रहते हैं, जो मूविंग पार्ट्स रहते हैं इंजन के, उनके अंदर कनेक्शन रहता है, और इसी गैलरी से सभी पार्टों के बीच में ऑयल सप्लाई होता रहता है। जैसे कि आप देखेंगे पूरी गैलरी बनी हुई यहाँ तक, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो पार्ट्स बने, वॉल्व वगैरह बने होंगे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक हमारी पिस्टन है, सिलेंडर है, यहाँ पर बने हुए दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, लिखा सिलेंडर हेड वगैरह लगा हुआ है, वॉल्व लगे हुए हैं उसके ऊपर, पिस्टन लगी हुई है, क्रैंकशाफ्ट नीचे आपको दिख रही होगी, जो क्रैंकशाफ्ट लिखा हुआ है ये नीचे पूरी क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है, मतलब इसी रास्ते से ऊपर नीचे पूरा ये सिलेंडर बने हुए हैं। अब एक दो तीन चार रॉकर आर्म है, रॉकर शाफ्ट है, ये वॉल्व है, ये सभी वॉल्व है, ठीक है, चार सिलेंडर बने हुए हैं और नीचे क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है। इन सभी के अंदर इसी गैलरी से जो यहाँ पर, ये यहाँ पर कनेक्शन हो गया, इधर नीचे कनेक्शन है, यहाँ पर नीचे कनेक्शन है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे कनेक्शन है, तो इस तरह इस गैलरी के अंदर से ही सभी पार्ट्सों के बीच में कनेक्शन कर दिया जाता है, जिनमें एकदम हमारी कंपलसरी होती है ऑयल की आवश्यकता होती है, उससे ही हमारी इंजन की इफिशियंसी बनती है,
और हमारे जो इंजन आवाज भी नहीं करता होगा, आपने देखा होगा ये ऑयल की वजह से होता है। दो फ्रिक्शन पार्ट होते हैं एक दूसरे के बीच में, जब हमारे घर्षण होता है तो उनके बीच में ऑयल फिल्म बन जाती है, उससे उनके बीच में घर्षण भी नहीं होता और स्मूथ तरीके से मूव करते रहते हैं। तो ये होती है ऑयल गैलरी। अब इसके अलावा ये सब जैसा मैंने बताया, क्रैंक शाफ्ट है, ये टेपर्ड है, पुश रॉड है, सब क्या है, इंजन के पार्ट्स हैं। इनको एक्सप्लेन नहीं करना हमें, किसको, सम्प को एक्सप्लेन करना, जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ऑयल पंप को एक्सप्लेन करना, ऑयल पंप का यहाँ पर का क्या काम है, ऑयल फिल्टर को एक्सप्लेन करना कि इसका क्या काम है, और गैलरी को एक्सप्लेन करना कि गैलरी का क्या काम है। तो मैं बता चुका हूँ गैलरी का काम है कि इंजन की जो बीच जितने भी जो हमारे अंदर इंजन के पार्ट्स रहते हैं, ये हेड ब्लॉक देखा आपने, हेड ब्लॉक के अंदर छोटे छेद बने रहते हैं, अंदर पूरे उसी के अंदर पूरे पार्ट्स लगे रहते हैं, तो उसके बीच में गैलरी रहती है, और वहीं से सभी पार्टों के बीच में, उसी के बीच में जब ऑयल हमारा मूव होता है तो उसी के बीच से क्या होता है, सारे पार्ट्सों में सप्लाई हो जाता है। ऑयल का प्रेशर बताने के लिए जो ऑयल गेज लगा हुआ है, यहाँ पर गेज बता देता है कि ऑयल का ऑयल हमारा कितना है अभी, और जिसके अंदर ऑयल गेज लगा रहता है। अब कुछ गाड़ियां रहती हैं जिनके अंदर क्या होता है, जब ऑयल गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए, ऑयल गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, उसकी हीट को बाहर, मतलब जो हीट जब गर्म होता है तो जो हमारी हॉट हीट रहती है, ठीक है, उसको बाहर करने के लिए, इंजन ऑयल को फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, फैन का यूज करते हैं। जो रेसिंग वगैरह गाड़ी है उनमें इंजन बहुत ज्यादा ऑयल गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमें क्या, फैन का भी यूज करते हैं। अब तो बहुत सारी गाड़ियों में भी यूज किए जाने लगा। तो इसको हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में ये कंपलसरी होता है, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो हमें नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। अब हम एक एनिमेशन डायग्राम दिखाते हैं जिसमें हम दिखा देते हैं कि कैसा ये दिखता है। इसको नॉर्मल आपको देखना है, इसको एग्जाम में नहीं बनाना, आप देख सकते हैं कैसा दिखता है। देखो आपने सभी गाड़ियों में देखा है फैन वगैरह लगा रहता है, जैसा मैंने बताया ये जो फैन लगा रहता है इससे हमारा ऑयल थोड़ा जो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑयल कम हो जाता है। ये ऑयल यहाँ से पोर्ट लगा रहता है इससे हम ऑयल को नीचे सप्लाई करते हैं, नीचे सप्लाई करेंगे तो पूरे पार्ट्स लगे रहते हैं, जो सिलेंडर पिस्टन का मूवमेंट, ऊपर वाल्व लगा हुआ है, स्प्रिंग वगैरह लगी हुई है, नीचे क्रैंक शाफ्ट बनी हुई है, ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, जी सम्प स्टैनर लगा हुआ है यहाँ पर, जहाँ से नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, मैंने बताया था इंजन की बॉटम में पूरा सम्प रहता है, जहाँ पर ऑयल पूरा गाड़ी बंद कर देते तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सम्प यहीं से सप्लाई होता है, पंप खींचता है इसको, पंप खींचेगा तो फिल्टर के अंदर जाएगा, फिल्टर के अंदर से पूरा ये गैलरी बनी हुई दिख रही है, इसके अंदर ये गैलरी के अंदर सप्लाई होता है, यहीं से इधर ऊपर नीचे सभी जगह कनेक्शन रहता है गैलरी के अंदर से ही, और हमारा ऑयल सप्लाई हो जाता है। तो ये नॉर्मल था, इसको हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं, देखने के पर्पज से था। अब नीड्स अगर लिखने को आती तो कैसे लिखना है उनको मैं समझा देता हूँ। अब ये पॉइंट हमें सभी समझना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार लिखने को आ जाता कि ऑयल का पर्पज क्या होता है लुब्रिकेशन का, या नीड्स के नाम से भी आया था। पहला लिखा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इन मूविंग पार्ट, जो हमारे घूमने वाले पार्ट होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन कम करता है। नेक्स्ट है बियर ऑन मूविंग पार्ट, बियर मतलब जो घिसते हैं पार्ट, वह भी कम हो जाता है। टू क्रिएट अ कूल मीडियम फॉर द रिमूवल ऑफ हीट, और सही बात है, कुछ पार्ट ऐसे गर्म होते हैं, गर्म हो जाते हैं घूम घूम के, तो उनके बीच में जो हीट जनरेट होती है उसको भी कम करता है, ठीक है। क्लीनिंग वेरियस ऑफ इंजन सप्लाई होगा तो पिस्टन रिंग, रिंग फिंगर, ये बहुत सारे हैं, इंजन से क्या होता है वाइज सप्लाई भी हो जाता है, क्या होता है उनकी सफाई भी होता है, क्लीन भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर से इंजन नीचे सम्प में पहुंचता है वहां से फिर से फिल्टर हो जाता है। रिड्यूसिंग बियरिंग शॉक एंड दे आर रिड्यूसिंग इंजन नॉइज, हाँ जो हमारे पार्ट्स एक दूसरे में टकराते हैं अगर उनके अंदर क्या होता है ऑयल नहीं है तो क्या आवाज करने लगती है, तो नॉइज भी कम करता है। टू सील द पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर वॉल्व सो दैट लीकेज डज नॉट अकर, और उसके अंदर जो सीलिंग होती है ऑयल क्या कंटिन्यू सप्लाई करता है तो वो लीकेज भी नहीं होते। प्रिवेंट कार्बन फ्रॉम फ्रीजिंग, जो कार्बन वगैरह जमती है उसको भी कम करता है। टू एब्जॉर्ब एंड रिमूव हार्मफुल एलिमेंट्स, ये भी करता है। डू नॉट लेट रस्ट, जो हमारी जंग वगैरह लगती है वो भी नहीं लगने देता है। ऑक्सीडेशन इज नॉट अलाउ, ऑक्सीडेशन भी अलाउ नहीं करता। एक पार्ट थे हमारा पर्पज था, अगर आप नहीं लिख पाते तो हिंदी इंग्लिश में यहाँ मैंने लिख दिए, आप आसानी से इसको समझ के लिख सकते हैं। अब किस टाइप की कौन कौन सी मेथड होती है उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लुब्रिकेशन सिस्टम की मेथड होती है, जैसे कि पेट्रोइल सिस्टम होता है, स्पेशलाइज सिस्टम होता है, प्रेशर सिस्टम होता है, सेमी प्रेशर सिस्टम होता है, ड्राई सम सिस्टम होता है, इन मेथडों पे स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनमें से कुछ मेथड को मैं समझाऊंगा वन बाई वन, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन में हमें इस मेथड को भी लिख देना, हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ऊपर स्टार्टिंग में डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी नीड्स लिखना, फिर ये मेथड के सिर्फ नाम लिख देना। अगर इन पर क्वेश्चन स्पेशल पूछा जाता तो मैं उस पर आगे वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप देखते रहें। ये सब करने के लिए आपको, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, और आने वाले जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
थैंक यू फ्रेंड्स।